जैसे ही आप हेलमेट नहीं पहनेंगे आपका चालान कट जाएगा। फोकस पे रहेगा कि नए साल में एक तो एक्सीडेंट्स कम से कम हो पाए। आईटीएम में इसके चालान इसलिए अधिक संख्या में 44,000 जो इतनी संख्या में इसलिए बन रहे हैं कि यहाँ पे वायलेशन ज्यादा हो रहा है। किस तरह से नियमों का उल्लंघन किया आप देख सकते हैं, इसमें फोटो दिख रही है मेरी स्पष्ट रूप से जिसमें मैंने हेलमेट नहीं लगाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं कमल सिंघी आज आपको इंदौर के यातायात पुलिस द्वारा की जा रही यातायात सुधारने की तैयारियों को लेकर के लाइव बताने जा रहा हूँ किस तरह से इंदौर यातायात पुलिस ने चौराहों पर कैमरे लगा करके ट्रैफिक को सुधारने के लिए नई नीति को शुरू किया है। ये कैमरे नंबर प्लेट की हाई क्वालिटी की फ़ोटो खींच करके 15 दिन के भीतर चालान को मोबाइल पर भेज रहे हैं। ये कैमरे इतने शार्प हैं कि 3 चीज़ों को ट्रेस करते हैं, हेलमेट, ट्रिपलिंग और रेड सिग्नल को क्रॉस करना। गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर पूरे चौराहे पर हम देख सकते हैं कि एक भी ट्रैफिक पुलिस का जवान नहीं है, लेकिन यहाँ माइक के जरिए अनाउंस किया जा रहा है बार बार कि आपको कैमरे से देखा जा रहा है और कोई भी गलती करेंगे तो आपका चालान कट जाएगा। ये देखिए कैमरे लगे हुए हैं चारों तरफ सिग्नल पर। जैसे ही आप जेब्रा क्रॉसिंग या हेलमेट नहीं पहनेंगे आपका चालान कट जाएगा, चालान हाथों हाथ आपके घर मोबाइल नंबर पर पहुंच जाएगा। आपने अगर हेलमेट पहना है और जेब्रा क्रॉसिंग या रेड लाइट क्रॉस कर दी है तो आपका चालान तुरंत कट जाएगा। साइबर की शिकायतें लगभग प्रतिदिन 40 शिकायतें प्रतिदिन प्राप्त होती हैं। इसमें हमारा फोकस पे रहेगा कि नए साल में एक तो एक्सीडेंट्स कम से कम हो पाए। एक मुहिम चल रही है अभी फिलहाल वर्तमान में और उस नियम का तो सख्ती से पालन आपको सबको करना आवश्यक है। वो नियम ये है कि हम अगर टू व्हीकल जो चला रहा है तो उसको हमेशा हेलमेट लगाए और यदि वो फोर व्हीलर चला रहा है तो सीट बेल्ट लगाए। ये माननीय हाईकोर्ट के निर्देश हैं और इसके संबंध में हम चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। ये एक ITMS है, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, जो हमारे यहाँ आई बस डिपो है वहीं पर एक सिस्टम काम कर रहा है स्मार्ट सिटी का। तो वहाँ पर जो इवेंट आती है, जैसे मैंने बताया कि 78 नंबर है वहाँ पर उनके कैमरे लगे हैं, LIG पर कैमरे लगे हैं, रसोमा चौराहे पर लगे हैं, तो वहाँ पर जो कैमरे लगे हुए हैं तो वो लोग जो वायलेशन करते हैं रेड लाइट का तो उनकी और उन्होंने हेलमेट नहीं पहना है तो ऐसी इवेंट को उठाते हैं। और एक सॉफ्टवेयर है ITMS, तो उससे हम ई चालान उसमें पुश करते हैं तो वो ऑनलाइन NIC की सुविधा है, ऑनलाइन वो अपना पेमेंट कर सकता है। और ऐसे वो लोग जो रेड लाइट जंप करते हैं तो उनको हम साथ साथ ऐसे भी देखते हैं कि वो हेलमेट लगा रखा है, 3 सवारी है, रॉन्ग साइड से तो नहीं जा रहा आ रहा, तो ये सब चीज़ें हम चेक करते हैं। तो ये ITMS के चालान इसलिए अधिक संख्या में 44,000 जो आप बता रहे हैं वो इतनी संख्या में इसलिए बन रहे हैं कि यहाँ पर वायलेशन ज़्यादा हो रहा है और लोगों को हम अलर्ट कर रहे हैं और चालानी कार्रवाई कर रहे हैं और लोग तब भी जो है इसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ हम अगर चालान देखते हैं कि उनके पाए जाएंगे तो उनकी हम लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई भी RTO को प्रतिबंध देकर कराएंगे। मेरा चालान कट गया ये जानकारी मुझे मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से मिली। आप देख सकते हैं मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन आपको दिखा रहा हूँ, मुझे वाहन के नाम से एक मैसेज आया। पहली बार में मुझे समझ में नहीं आया कि मैसेज का क्या मतलब है। 8 दिसंबर को मुझे पहला मैसेज आया जिसमें लिखा था मेरी गाड़ी का नंबर और एक लिंक दी हुई थी। इसके बाद मुझे दूसरा मैसेज 20 दिसंबर को आया, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब हम पहले वाले मैसेज की तरफ चलते हैं, 8 दिसंबर को जो मुझे आया, मैंने इस लिंक पर क्लिक करा और ये नोटिस खुल गया। इस नोटिस में पूरी जानकारी दी गई है कि मैंने किस तरह से नियमों का उल्लंघन किया। आप देख सकते हैं इसमें फ़ोटो दिख रही है मेरी स्पष्ट रूप से जिसमें मैंने हेलमेट नहीं लगाया है। मैंने ठंड होने की वजह से सर पे टोपा पहना था और मुंह पे रुमाल भी बांधा था, हेलमेट मैं उस दिन नहीं लगाया हुआ था। इसमें डेट डली है, मेरे घर का पता डला है, इसमें रसोमा चौराहे पे ये मैंने हेलमेट नहीं लगाया था, ये भी जानकारी दी गई है। इसके बाद अगला मैसेज जो मुझे आया है मैं उसको भी आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ही मैंने इसकी लिंक पर क्लिक करा मुझे ये लिंक में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि मैं यहाँ पर चालान का जुर्माना भर सकता हूँ, वो राशि भर सकता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप ये प्रक्रिया ऑनलाइन भी कर सकते हैं।
आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे और इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको चालान का मैसेज आएगा। उसमें आपको जो नंबर दिया है, चालान नंबर जो मैसेज में आया है आपके टेक्स्ट मैसेज में, उसको आप कॉपी पेस्ट करिए, यहाँ पर चालान नंबर की जगह डालिए। ये आपको कैप्चा कोड जो दिख रहा है, आप उस कोड को डालेंगे। उस कोड को डालने के बाद अगली विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे ही वो विंडो ओपन होगी, आपको डिटेल में दिख जाएगा कि कैसे आपको चालान के पैसे भरना है। और ये आपको मेरा नाम दिख रहा है, मेरी डिटेल दिख रही है, मेरा पेंडिंग चालान दिख रहा है। मैं यहाँ पे नाउ के बटन पे करूँगा और मुझे मोबाइल पे OTP आएगा। मैंने मेरा मोबाइल नंबर डालना है, मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाला और यहाँ पे मुझे एक OTP आएगा। मैं जैसे ही वो OTP आया, आप देख सकते हैं मुझे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एक OTP दिख रहा है। मैंने इस OTP को सबमिट किया। इस OTP को सबमिट करने के बाद मैं अगली विंडो पर चला जाऊंगा। इंटरनेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है और ये नई विंडो खुल गई। अब यहाँ पे मुझे सारे वो ऑप्शन मिलेंगे कि मैं कैसे भर सकता हूँ। हम अगली स्टेप पे जाते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट पेमेंट गेटवे का ऑप्शन दिया हुआ है, इसे मैंने IFMS किया है। इसके बाद मैं कंटिन्यू पे बटन दबाऊँगा और अब ये नई विंडो ओपन हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे अन्य जानकारियाँ भरना है। ये अन्य जानकारियों में आपको बताना है कि आप किस बैंक से ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ट्रांजैक्शन करना चाहता हूँ। ये मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो ऑप्शन है, इसको यहाँ पर चूज़ कर लिया है। अब इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको कंफर्म के बटन पे दबाना है और ऑनलाइन पेमेंट का मोड सिलेक्ट करना है। ये मैंने सिलेक्ट किया है ऑनलाइन पेमेंट, मैंने इसको कंफर्म कर दिया है। अब कंफर्म करने के बाद में ये अगली विंडो पर चला जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने इसे स्क्रॉल किया, स्क्रॉल करने के बाद में मैंने इसे सबमिट किया और वो पूछ रहा है कि आप इसे सबमिट करना चाहते हैं, तो इसे आपको ओके दबाना है। जैसे ही मैंने ओके दबाया तो ये SBI बैंक पे सीधे रीडायरेक्ट हो गया, क्योंकि मैंने अपना SBI बैंक अकाउंट चूज़ किया था। वहाँ से अब मुझे अगले विकल्पों को चूज़ करना है। मैंने यहाँ पर जैसे ही ओके का बटन दबाया तो पूरी डिटेल आ गई है। आप देख सकते हैं मेरा नाम, मेरी डिटेल, कितने का चालान अमाउंट है वो भी आप देख सकते हैं। 500 रुपये अपने आप आया है। अब मैं यहाँ पे किस मोड से मुझे पेमेंट करना है, तो मैंने उसमें UPI ID चूज़ करा है। यहाँ पे मैं UPI ID डालूँगा। UPI ID डालने के बाद में मुझे कंफर्म बटन पर क्लिक करना है। मैंने कंफर्म बटन पर क्लिक किया, आप देख रहे हैं नई विंडो खुलेगी और ये ट्रांजैक्शन के नेक्स्ट लेवल पे चला गया है। अब ये फिर मुझे कंफर्मेशन मांग रहा है, मैं इसे कंफर्म करूँगा। अब कंफर्म होने के बाद में फिर से नई विंडो खुल रही है और आप देख सकते हैं कि मुझे मैसेज आया है। ये मैसेज रिक्वेस्ट है जिसमें भीम ऐप के द्वारा मुझे OTP दिया गया है। अब यहाँ से मैं अपने ऐप पर जाऊंगा, जो ऐप से मुझे पेमेंट करना है। तो मैंने भीम ऐप खोला क्योंकि मेरा UPI भीम ऐप से कनेक्ट है। मैंने भीम ऐप में लॉगिन किया, मेरा पासवर्ड डाला, इस पर मैंने लॉगिन किया। अब मुझे इस ऐप पे एक नोटिफिकेशन आएगा। इस नोटिफिकेशन को मैं जैसे ही ओके करूंगा, ऊपर जो बेल आइकॉन है यहाँ पे मुझे रिफ़्रेश करना है। मैंने रिफ़्रेश करते ही मुझे नोटिफिकेशन दिखा, मैंने इसे ओके कर दिया। अब वो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, मैंने इसे अप्रूव करा। आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट 500 रुपये ही कटने वाले हैं। यहाँ से मैंने कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद मैं वापस एप्लीकेशन पर जाऊँगा। ये लोड हो रहा है, आप देख सकते हैं। और ये जैसे ही मैं कन्फर्म करूँगा, इसमें मेरे 500 रुपये अकाउंट से कटेंगे और सीधे ट्रैफिक पुलिस के खाते में चले जाएंगे। तो
तो ये बहुत ही आसान सी प्रक्रिया है और ये प्रोसेस आप लोग अलग अलग तरह से कर सकते हैं। जो भी मोड ऑफ एक्शन आप लोग एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उस के द्वारा आप अपना चालान ऑनलाइन बहुत ही आसानी से घर बैठे भी भर सकते हैं। इसमें सभी तरह के ऑप्शन हैं, आप पेटीएम के माध्यम से कर सकते हैं, अपने कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, आपके पास अगर SBI के कार्ड्स हैं, ATM कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड हैं, डेबिट कार्ड हैं, जो भी अवेलेबल हैं आपके पास में, आप चाहते हैं नेट बैंकिंग का यूज़ करना है तो नेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ अपने कार्ड का उपयोग करना चाहें तो कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास में यह भी विकल्प है कि आप चाहें तो आप सीधे ट्रैफिक पुलिस थाने पर जाके चालान की राशि भर सकते हैं। मैं अभी आपको अगले प्रोसेस में वो भी दिखाऊंगा। आपको पता है कि ट्रैफिक पुलिस स्टेशन है जहां पर आप जाके ये भर सकते हैं। ये ट्रैफिक पुलिस थाने में अवेलेबल मशीन है जिसमें आप ATM के माध्यम से चालान की राशि जमा कर सकते हैं थाने पर जाकर।